आखिर शिल्पी राज अपना गलती कबूल कर ही ली। विवेक पटेल के लिए जो प्यार था इनके मन में वो आखिर में बाहर आ ही गया। जो विवाद इन दोनों के बीच चल रहा था अब वो विवाद खत्म हो गया दोस्तों, दोनों बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो क्या है कहानी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना भोजपुरी इंडिया में। तो अगर आप भोजपुरी को पसंद करते हैं, भोजपुरी से जुड़े हैं, भोजपुरी के लिए दिल में प्यार है, तो अपने इस भाई के चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका भाई भोजपुरी के लिए वीडियो बनाता है, इस पर भोजपुरी का ही केवल वीडियो जाता है। तो चैनल से जुड़ जाए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विवेक पटेल और शिल्पी राज के बीच में जो विवाद चल रहा था अब वो विवाद खत्म होने वाला है। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये साफ साफ दिख रहा है, दोनों बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। आज सुबह शिल्पी राज का एक गाना रिलीज हुआ है वर्ल्ड वाइड भोजपुरी पे, आप पोस्टर देख सकते हैं, बगल में पोस्टर है, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। एल्बम का नाम है दीवानगी और गाने का बोल है दीवाना हो दीवानगी भूला जाइबा का हो। जी हाँ दोस्तों, यह गाना शिल्पी राज का है जिसे लिखे है विजय चौहान ने और आज ही सुबह वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे रिलीज हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि यह गलत है या झूठ बोल रहा है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। अगर यहाँ से भी दिक्कत है तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल है, जाइए यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए, वहाँ पे भी ये गाना मिल जाएगा। और आप जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, ये किसी और का नहीं, इस कंपनी के जो मालिक है रत्नाकर सर, उन्हीं का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो पोस्ट किया है, उन्हीं का है, ये देख सकते हैं आप, इनका फोटो भी लगा है। सच्चा जो प्यार करते हैं वो कभी झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, छूटता नहीं है, सच्चा प्यार आखिर में आ ही जाता है। यह गाने में आशीर्वाद के रूप में विवेक पटेल का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, विवेक पटेल का नाम आशीर्वाद में दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इतना कुछ होने के बाद यह नाम दिया गया, यह कोई छोटी बात नहीं। हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसके कारण शिल्पी राज यह खुलासा ना करना चाहती हो कि ये मेरे पति हो, या जो कुछ भी हो ये अंदर की बात होगी, हम लोग नहीं जानते। हम लोग का बस यही कामना है कि ये दोनों एक हो जाए और मिल के रहे। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये दोनों मिल जाए ये बहुत ही खुशी की बात है। इस गाने में शिल्पी राज का प्यार एकदम झलक रहा है, एक एक वर्ड में दिखाई दे रहा है कि शिल्पी राज विवेक पटेल से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि इस विषय पर अब वीडियो बनाना बंद कर दे, दोनों का मिलाव हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, दोनों मिल जाए यही हमारी कामना है। तो अंतिम में बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मिल जाए, एक साथ रहे, खूब मस्ती करें, खूब मजे करें, खूब गाना गाए और खूब नाम कमाए और भोजपुरी को इसी तरह आगे लेके जाए, रॉकेट की तरह उड़ाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।